गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम रेणुका। तो आज मैं आपके लिए आई हूँ मास्क ऑन ट्रांजिशन ट्यूटोरियल। तो ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है अभी इंस्टाग्राम पे और बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन है। मुझे पर्सनली ये ट्रांजिशन काफी ज्यादा पसंद आया। जिस तरह से कैमरा मूव होता है, हैंड के एक्शन होते हैं और एकदम से ट्रांजिशन होता है, मुझे लगा इस पर ट्यूटोरियल बनाना जरूरी है, क्योंकि जो ट्रांजिशन है वो जल्दी समझ में नहीं आता, बट बहुत ही ज्यादा ईजी अगर आपको समझ में आ जाता है। इसमें पोजिशन भी ना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी ये ट्रांजिशन होता है कि आप इसको बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। ये ट्रांजिशन टू पार्ट में शूट होगा। फर्स्ट जिसमें आपको बहुत ही बेसिक या मिनिमल मेकअप के साथ आना है, देन उसके बाद ट्रांजिशन करके आपको एक अच्छा सा लुक लेना है या फिर बहुत अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है बेसिकली आपके फेस पे ही फोकस करता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक अच्छे से मेकअप के साथ आना है कि आपका ट्रांजिशन पता चले। लाइक जैसे टिकटॉक में पहले होता था ना, बिल्कुल नर्ड और अजीब से बन के आते थे, देन उसके बाद जैसे ट्रांजिशन होता था, बूम, आप बहुत ही अच्छे हॉट एंड सेक्सी बन के आते थे। बहुत बात होगी, चलते हैं वीडियो पे। तो मैं फर्स्ट अपना पहला पार्ट शूट कर रही हूँ, तो उसके लिए इंस्टाग्राम हम ओपन करेंगे। रील रिकॉर्डिंग सेक्शन मैंने ऑन कर लिया, सॉन्ग मैंने सिलेक्ट कर लिया। सॉन्ग अगर आपको चाहिए तो मेरे प्रोफाइल में आप विजिट करना, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी और वहां से आप सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैमरा को सेटअप कर लेते हैं। तो मुझे कैमरा थोड़ा जूम चाहिए, तो सेम टू फिंगर को आपको स्क्रीन पर रखना है और इसे आउटसाइड स्ट्रेच करना है, आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी, कुछ इतना चाहिए मुझे। इसके बाद आपको टाइमर लगाना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें फिल्टर यूज मत करना, क्योंकि फिल्टर इसमें ना आपका रिमूव हो जाएगा फेस से, क्योंकि हम इसमें काफी ज्यादा मूवमेंट करने वाले हैं, जिस वजह से आपका फिल्टर ना एक जगह नहीं रहेगा, वो आपके फेस से इधर उधर हो सकता है, तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। टाइमर पर टैप करना है आपको। ये मैंने म्यूट कर दिया बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। आपको टाइमर सेट करना है 5 सेकंड पे। तो ये आपको जो राइट साइड पर टैप दिख रहा है, इसको टैप करके आपको लेफ्ट साइड ड्रैग करना है। तो आपका देखिए ऊपर टाइमर चेंज हो रहा है, एंड सेट टाइमर पे टैप करना है। अब आपको शूट ना अपने हाथ में कैमरे को लेके करना है, क्योंकि अगर आप कहीं रख के करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है। आपको हाथ से पूरा कैमरा मूव करना है। आपको कैमरा एक हाथ से ऐसे लेना है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैमरा कैसे मूव करना है। अब आपको अपना कैमरा है ना अपने हाथ के साथ साथ मूव करना है। जब सॉन्ग में फर्स्ट मास्क वर्ड आएगा तो आपको अपना हाथ ऐसे फेस पे रखना है, देन उसके बाद आपको हाथ को ऐसे लेके जाना है इधर, देन उसके बाद एक एक्शन ऐसे करना है, देन दोबारा ये करना है, और इसके बाद जब ये वापस आ रहा होगा ना, यहाँ पर आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट वीडियो खत्म हो जाएगा और यहीं से हम सेकंड ट्रांजिशन इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट शूट हो गया है। अब आपको नेक्स्ट करके इसको सेव ड्राफ्ट कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट शूट हो गया है। अब मैं रेडी होने जा रही हूँ, जिसके बाद मैं सेकंड ट्रांजिशन शूट करूंगी। तो मिलते हैं रेडी होके। तो ये मैं अपना गेटअप लेके आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से सेकंड ट्रांजिशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलते हैं अपनी इंस्टाग्राम स्क्रीन पर। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है renuka_thakur_RR। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज डू फॉलो मी। तो अब आपको यहाँ पर रील सेक्शन पे टैप करना है और ड्राफ्ट पे टैप करना है, क्योंकि हमने अपना लास्ट ट्रांजिशन ड्राफ्ट में सेव किया था। वीडियो को ओपन करना है, एडिट पे टैप करना है, एरो पे टैप करना है, आपका रील रिकॉर्डिंग स्क्रीन दोबारा ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा सॉन्ग रिमूव हो गया है। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे ना प्रॉब्लम आ रही है, जब भी आप वीडियो ड्राफ्ट कर रहे हैं ना तो वो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली रिमूव हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको वापस कैसे रिस्टोर करना है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। आपको अगेन उस वीडियो को ओपन करना है जहाँ से आपने सॉन्ग सेलेक्ट किया था। तो अगर आपने मेरी वीडियो से सिलेक्ट किया तो आप मेरी वीडियो को ऑन कर लेना, देन आपको म्यूजिक पे टैप करना है और सेव ऑडियो पे टैप करके इस ऑडियो को सेव कर लेना है। आपको वापस अपनी रील रिकॉर्डिंग स्क्रीन ओपन करनी है, सॉन्ग पे टैप करना है, सेव्ड पे टैप करना है। तो ये फर्स्ट सॉन्ग मैंने अभी सेव किया था, इस पे टैप करना है, देन डन। तो आपका सॉन्ग दोबारा रीस्टोर हो गया है। अब यहीं से हम अपना सेकंड पार्ट शूट करेंगे। तो कैमरे को थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से कुछ मैंने कैमरा किया था, देन टाइमर पे टैप करके टाइमर लगा लेना है। देन हमने अपना लास्ट ट्रांजिशन कुछ यहाँ पर छोड़ा था, अब मुझे हाथ को ऐसे करके यहाँ पर लेके आना है, देन उसके बाद अपना मेकअप शो करना है। ये सेकंड पार्ट भी मेरा शूट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। देख रहे हो आप ट्रांजिशन कितने अच्छे से मर्ज हो गया है। बट इन केस अगर आपको लगता है कि आपका ट्रांजिशन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो आप एडिट क्लिप्स में टैप करके जिस क्लिप्स को आपको थोड़ा ट्रिम करना है, जैसे सेकंड पार्ट पे आपको लगता है जो हैंड वाला मूवमेंट है वो थोड़ा लेट आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आगे वाले टैब पे टैप कर राइट साइड ड्रैग करेंगे ना तो वीडियो आगे से ट्रिम हो जाएगी। बट ये मेरा बिल्कुल सही हुआ, मुझे नहीं करना। तो ये ट्रांजिशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप डाउनलोड पर टैप करके इसे अपनी गैलरी पर भी सेव कर सकते हैं, आपके म्यूजिक के साथ सेव हो जाएगा, क्योंकि जो इसका सॉन्ग है ना वो इंस्टाग्राम ऑडियो गैलरी से नहीं लिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।